हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना सिग्नेचर अपने बैंक अकाउंट में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कई बार होता है कि लोग जो उन्होंने सिग्नेचर अपने अकाउंट ओपन करते वक्त किया था वो भूल जाते हैं, और फिर कभी वो बैंक में जब पैसे उठाने के लिए जाते हैं विड्रॉ करने के लिए, तो जो कैशियर है उनको कहते हैं कि आपका सिग्नेचर गलत है। तो ये सिग्नेचर आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए बैंक में आपको एक फॉर्म मिलता है, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं ये फॉर्म आपको दे दूंगा। तो ये फॉर्म किस तरह से भरते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू, तो यहाँ पे देखिए टू द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच। यहाँ पे आपको ब्रांच लिखना है, आपका कौन सा ब्रांच है, नागपुर मेन ब्रांच, ब्रांच कोड जो भी है वो यहाँ पे डालिए, ठीक है। उसके बाद प्लेस नागपुर ही आएगा। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे लिखा है चेंज ऑफ सिग्नेचर इन बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है आई वांट टू चेंज माय स्पेसिफिक सिग्नेचर इन माय बैंक अकाउंट, डिटेल्स आर एस फॉलोस। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर रहेगा। उसके बाद आपको आपका नाम पूरा डालना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डालूंगा। यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है, यहाँ पे आपका फोटो आएगा, ठीक है। और आपको जो सिग्नेचर अभी रखनी है आपके बैंक अकाउंट में, वो सिग्नेचर आपको इस बॉक्स में करनी है, ठीक है। तो मैं जैसे मुझे नया सिग्नेचर रखना है, तो मैं ये यहाँ पे मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया। तो ये सिग्नेचर जो है वो स्कैन होता है और वही आपके अकाउंट में हमेशा रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे का पोर्शन है ये ऑफिस यूज के लिए है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये बैंक एम्प्लॉय को फिल करके रखना होता है उनके रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। तो बस ये फॉर्म फिल करके आपको बैंक में दे देना है। तो आपने देखा फॉर्म किस तरह से भरते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ आपको ये करनी है कि जब भी आप ये फॉर्म बैंक में जमा करते हैं, तो इसके साथ आप अपना बैंक में KYC भी करवा लें। अगर आपके KYC डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वैसे भी बैंक वाले आपको बताएंगे कि आपको KYC करना ज़रूरी है। तो KYC किस तरह से करते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को देखिए। तो आई होप कि इससे आपको थोड़ी मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।